तो मादेवा केस में सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि शुभम सोनी का जो वायरल वीडियो है उस पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी और ईडी की मिली भगत का सबूत है। मैं शुभम सोनी से ना मिला, ना मैं शुभम सोनी को जानता हूं। भूपेश बघेल ने कहा कि वीडियो चुनावी फायदे के लिए जारी किया गया। आपको बता दें कि महादेव ऐप से 508 करोड़ रुपए उनके प्रमोटर से लेने का आरोप भूपेश बघेल पर। शुभम सोनी नाम का शख्स जो कि कहता है कि मैं ही हूं महादेव ऐप का मुख्य प्रमोटर, उसने दुबई से एक वीडियो जारी किया था। बताया जा रहा है कि दुबई से वीडियो जारी किया गया और उसी वीडियो को लेकर के भूपेश बघेल ने अब अपना जवाब दिया है और कहा कि ये मिली भगत का सबूत है ईडी और बीजेपी। वीडियो जो है बीजेपी ने जारी किया है, बयान ईडी ने किया है ना, प्रेस नोट ईडी ने जारी किया, प्रेस नोट है ईडी ने जारी किया। तो मतलब कितना बढ़िया संबंध है, जैसे पहले कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह। तो ये तो ईडी और भाजपा की मिली भगत है, वो तो स्पष्ट हो गया है। महादेव बेटिंग गैग कंपनी के डायरेक्टर शुभम सोनी ने एक दिन पहले दुबई से वीडियो जारी किया था और आरोप लगाया था। आरोप क्या लगाया वो एक एक कर बताता हूं आपको कि सीएम बघेल तक 508 करोड़ रुपए की रकम प्रोटेक्शन मनी के तौर पर, यानी संरक्षण हमें मिले इसके लिए पहुंचाई गई। शुभम ने इसी वीडियो में दावा किया कि महादेव बेटिंग ऐप का मालिक वही है, यानी शुभम सोनी खुद है, और बघेल के कहने पर वो दुबई गया था। क्या क्या कहा शुभम सोनी ने पहले जरा वो सुनिए और आपको बता दें कि वीडियो बीजेपी ने जारी किया है, नव भारत इस वीडियो के दावों की पुष्टि नहीं करता। मैं डर से पहुंच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके, तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे, वो फिर लेके गए। वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुँह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर, उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है, उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो दुबई से जारी वीडियो में शुभम सोनी ने ये तमाम दावे जो किए आपको सुनवाए हमने। शुभम सोनी ने ये दावा भी किया कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल तक उसे पहुंचाने वाले मददगार कौन कौन है और 508 करोड़ रुपए की रकम कैसे चुनावी खर्च के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस तक पहुंचाई गई, कितने मददगार रहे उनकी पूरी लिस्ट बता देते हैं आपको। शुभम सोनी वीडियो जारी करने वाला शख्स है, यह शक्ल आप पहचानिए जो कि खुद को महादेवा का मुख्य प्रमोटर बताता है। भिलाई में मुलाकात करवाई चंद्रभूषण वर्मा, गिरफ्तार किए गए, पेशे से एएसआई थे। उसके बाद भिलाई साथ गया गिरीश तिवारी के, शुभम सोनी। ये पूरी क्रोनोलॉजी है कि कौन कौन शख्स इसमें शामिल है जिसका जिक्र शुभम सोनी लगातार कर रहा है, उन तमाम नामों को आपके सामने रख रहे हैं। फिर नाम आता है प्रशांत अग्रवाल का जो तत्कालीन एसपी है भिलाई के, वो फोन पर बात करवाते हैं शुभम सोनी की बाकी के लोगों से। उसके बाद नाम आता है बिट्टू भैया नाम के शख्स का, वो 508 करोड़ रुपए पहुंचाने का जरिया यही बिट्टू भैया का नाम लिया गया। और अंतिम नाम जिसको लेकर के सियासत हावी है वो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, जो कि जिनके पास ये 508 करोड़ रुपए पहुंचाने का अभी तक आरोप लगा है। हमारे सहयोगी राकेश त्रिपाठी से जुड़ चुके हैं मुंबई से लाइव। राकेश, पूरी क्रोनोलॉजी क्या है? शुभम सोनी जो दावा कर रहा है कि भूपेश बघेल तक चुनावी खर्च के लिए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 508 करोड़ रुपए पहुंचा है।
जी निश्चित तौर पर देखिए छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं और इस चुनाव में महादेव ऐप को लेकर के जो तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जहां तक क्रोनोलॉजी की बात है तो इसमें एक हवलदार जो है भीम नाम का जो बंदा है वहां से लेकर के एक ASI चंद्रभूषण वर्मा से लेकर के SP का नाम सामने आता है, पॉलिटिकल एडवाइजर जो गए हैं वर्मा जी उनका नाम सामने आता है, मुख्यमंत्री का नाम सामने आ गया, कई संगीन आरोप जो है कई बड़े लोगों पर लग रहे हैं। ऐसे में एनफोर्समेंट डायरेक्टर की जो जांच है उसमें कई ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब तक जो है जो 2 नवंबर को जो एक शुभम सोनी ने ईमेल के जरिए अपना जो बयान दिया है उस बयान में उसने पूरा कच्चा चिट्टा जो है वो खोल दिया है। सूत्रों की अगर माने तो इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आ गए हैं उनकी मुश्किलें जो है वो आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत जल्दी अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है और ये जो सवाल है ये उनसे पूछ सकती है कि आखिर ये जो पूरा हजारों करोड़ का जो ऐप का जो घोटाला है, जो जुए और सट्टे का जो पैसा है, आखिर इसमें जो कनेक्शन है कौन कौन लोग शामिल है। दूसरी बात इसमें ये भी सामने आई कि जो असीम गुप्ता नाम के जिस शख्स को भेजा गया था छत्तीसगढ़ में तकरीबन 15 करोड़ रुपए जो है वो 4 बेनामी खातों में से उसका बैलेंस मिला हुआ है और 5.5 करोड़ रुपए उसके पास से नगद बरामद किए गए। तो ये 20 करोड़ की जो रकम है वो किसे पहुंचाई जाने वाली थी इसको भी लेकर के ED की जो जांच है वो आगे बढ़ गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश आपका तो जुड़ने के लिए। इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बड़ा बयान, महादेव बेटिंग ऐप को लेकर बड़ा बयान दिया राजीव चंद्रशेखर ने। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई अपील नहीं की, जो बेटिंग ऐप बंद करने की अपील की बात छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कह रही थी। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये ऐप बंद करने की अपील छत्तीसगढ़ सरकार या भूपेश बघेल ने नहीं बल्कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से की गई। कांग्रेस की पूरी राजनीति है वो झूठ पर आधारित है। उनसे खास बातचीत, उन्होंने क्या कहा सुनवाते हैं आप। महादेव ऐप समेत 22 ऐप को बैन किया गया है। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी हैं बात करने के लिए। सर 22 ऐप बैन किए गए हैं, क्या इरेगुलरिटीज आपको मिली हैं और जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुई है उस पर क्या कहना? देखिए हमारे मिनिस्ट्री का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पुलिस या कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमें रिक्वेस्ट भेजें हम उस बेसिस पर हम ब्लॉक करते हैं ऐप्स को या वेबसाइट्स को। कल सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऑफिशियली एक रिक्वेस्ट भेजा था कि 22 ऐसे ऐप्स हैं जो इलीगल ऐप्स हैं, बेटिंग ऐप्स हैं, और उन्होंने इस बघेल जी के 500 करोड़ के स्कैम के दौरान उन्होंने पाया है इन 22 ऐप्स को और हमने तुरंत दोपहर तक उनको ब्लॉक कर दिया था। तो ये एक तरह से हमारा एक सिस्टम है कि जो भी पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के हो या हमारे सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, जब भी वो रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे इलीगल एप्लीकेशंस हैं, इलीगल वेबसाइट्स हैं, हम इमीडिएटली तुरंत उनको ब्लॉक करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है, भूपेश बघेल का कहना है, कांग्रेस पूरी ये कह रही है कि 2 महीने से लगातार वो टच में थे और बैन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। देखिए कांग्रेस का अभी अब तो स्पष्ट है ही कि कांग्रेस का राजनीति झूठ पे एक तरह से उनका कोर झूठ है और ये भी एक झूठ है। पहले भी झूठ कहते हैं, आज भी झूठ कहेंगे और कल भी झूठ कहेंगे, तो ये वो सरासर झूठ है। उन्होंने कभी उनके पुलिस से कोई रिक्वेस्ट नहीं आया। वो जानते हैं कि 1.5 साल से ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी ऐप में बेटिंग ऐप में 1.5 साल का इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है मुझे नहीं मालूम। ये 5 मिनट का काम है कि आप देखते हैं कि उसमें बेटिंग हो रहा है, उसको 6 मिनट में उसको बंद करना चाहिए। ये 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 महीने पहले उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा। किसको भेजा? राहुल गांधी को भेजा है कि सोनिया गांधी को भेजा है? क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री में नहीं आया ये, तो ये झूठ है। हमें हम सबको मालूम है कि 500 करोड़ उनको इसीलिए मिला है क्योंकि उनका 1.5 साल का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और ये 508 करोड़ जो मिला है महादेव ऐप से 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन को खींचने की एक तरह से फीस मिल गया होगा। तो ये ED पता करेगा। GST का लालच था आपको, आप ही लीगल कर दिए हैं। देखिए है सारा चीज इलीगल। इनको जानकारी पहले मिला छत्तीसगढ़ सरकार को 1.5 साल पहले, आज कह रहे हैं कि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बार एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने एक रिक्वेस्ट भेजा वो कल सुबह और वो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने और हमने तुरंत उसको बंद कर दिया। अभी महादेव घोटाला क्या है सबसे पहले इसकी बुनियाद एक बार फिर समझिए आप, एक एक करके वो सारी चीज बताता हूं आपको। एक ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में ये पूरे फ्रॉड को अंजाम दिया गया। उसके अलावा गेमिंग की गिरफ्त में कौन कौन आए, बच्चे आए, बुजुर्ग आए और युवा आए जो कि इस गेम का हिस्सा बने और इस पूरे घोटाले का हिस्सा बने। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बड़ी बड़ी बेटिंग कराई जाती थी और 1 साल के अंदर
लगभग 5,000 करोड़ के लेन देन को अंजाम दिया गया, जो पूरा जो पैसा है वो हवाला के जरिए विदेशी फंड में ट्रांसफर किया गया। 2022 से ईडी लगातार महादेव ऐप के ऊपर नजर रखे हुए थी। प्रमोटर कौन कौन है, कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, पैसे का लेन देन कैसे किया जा रहा, और इन्हीं क्रोनोलॉजी को जब तलाशा गया, ढूंढा गया, इसके ऊपर एक्शन लिया गया, तो अब यह बात खुलकर सामने आती है कि प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 508 करोड़ लेने का आरोप भूपेश बघेल के ऊपर। पहुनाई के लिए हार्दिक अभिनंदन। महादेव ऐप समेत 22 सट्टेबाजी ऐप पर बैन लगाया गया। इसके अलावा ईडी ने अनुरोध किया, राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि कांग्रेस या भूपेश बघेल ने नहीं बल्कि ईडी के रिकमेंडेशन पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई की है महादेव बैटिंग ऐप समेत 22 ऐसी ऐप पर रोक लगाने के लिए। 5 नवंबर को भिलाई में छापेमारी की गई थी, छापेमारी में कैश बरामद हुआ था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय ने 22 ऐसी एप्लीकेशंस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। अभी तक भूपेश बघेल ने कहा था कि हमने रिकमेंडेशन की थी ऐसी ऐप पर बैन लगाने के लिए, तो राजीव चंद्रशेखर ने यह साफ कर दिया कि यह बैन बघेल सरकार ने नहीं बल्कि ईडी ने रिकमेंड किया था और उसी के बाद ये एप्लीकेशन पर बैन लगाया गया। तो राजनीति शुरू हो चुकी है और बीजेपी ने इसी मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को घेरा है। शुभम सोनी ने जो आरोप लगाए उन आरोपों की जांच होनी चाहिए, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी के मीडिया संयोजक सिद्धार्थ महासिंह ने कहा कि अभी स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार के पास अधिकार था, अधिकार होने के बावजूद भी भूपेश बघेल क्यों महादेव ऐप बंद करने की अनुशंसा नहीं कर रहे थे, ये सवाल उठाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको जोर शोर से उठाया भी था और ये गंभीर आरोप है। 508 करोड़ एक मुख्यमंत्री और उसका सिंडिकेट डकार जाए, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है और ईडी इसमें जांच कर रही है और वो तथ्यों के हिसाब से, और जो शुभम है जो महादेव ऐप का ओनर है वो इसके बारे में बता रहा है और किस प्रकार से उसको एक हफ्ता वसूली के हिसाब से जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी हैं उन्होंने और उनके आदमियों ने उसके हाथ पैर ऐठे हैं और समय समय पर और इसको और बड़ा करने के लिए उसको दुबई तक की भेज दिया, वहां पे भी उनके लोग जो एक चंद्राकर हैं ये सब हैं जो मिल गए, क्योंकि ये चंद्राकर जो वहां पे है दुबई वाला उसका भी खुलासा एक स्टिंग में आया है और उसके अंदर भी दिलीप चंद्राकर जो उसके चाचा उसके बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसका भी एक नेटवर्क है भूपेश बघेल के साथ। तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर हो जाती हैं।